एएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो में 100 से तकरीबन अधिक बिल्डर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कई बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां भी यहां पर स्टॉल लगाए हुए हैं ताकि लोगों को घर के लिए आसानी से लोन मिल सके। लेकिन इसके बीच में एक ऐसी भी कंपनी है आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने अपना स्टॉल लगाया है वहाँ पर। हाउस होल्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो घर में लगने वाली हैं, अगर कोई नया घर खरीद रहा है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। मैं आपको अपने इस कैमरा के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस किस तरह के सामान है। जैसे आप देख सकते हैं, एक नए घर की ज़रूरत क्या होती है, फ्रिज है, उसके बाद यहाँ पर लॉकर्स हैं और दूसरे वाटर प्योरीफायर और अलग चीज़ें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न सेट्स हैं और अलग अलग गीजर्स और दूसरे उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स का इतने जगह पर ये सारी एक एक आउटलेट्स हैं और यहाँ पर ये इतने ब्रांचेस हैं, अरौली, पाम बीच, पनवेल, घनसौली, उल्वे, उरन, नेरुल, वासी, खारगर और बेलापुर में। और इसके बाद यहाँ पर ये स्टॉल जो लगाया गया है प्रॉपर्टी एक्सपो में, ये कितना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं। एक आइडिया लगता है कि घर के लिए ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं और सबसे बेहतरीन प्राइस पे अच्छी रेंज में किस जगह मिल सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस बार प्रॉपर्टी एक्सपो में इस तरह का एक पहल किया है ताकि जो लोग यहाँ पर घर देखने के लिए आएँ वो अपने लिए घर के ज़रूरी सामान भी यहाँ पर देख सकें और उसको खरीदने का मन बना सकें, या उनकी इच्छा है तो यहाँ खरीद भी सकें। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इसका मुआयना कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आप मेरे बिल्कुल बगल में देख सकते हैं कि ये पूरा साउंड सिस्टम है, टेलीविज़न सेट्स हैं और भी तमाम चीज़ें हैं जो एक अच्छे घर के लिए ज़रूरत होती हैं, नए घर की ज़रूरत होती हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 सालों में प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के और हाउस होल्ड चीज़ों के ये स्टॉल्स लगाए गए हैं। और इसका जो आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो MD हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मकसद क्या था। ये पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे हम जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी एक्सपो में पहली बार इस तरह की पहल की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउस होल्ड चीज़ों का भी स्टॉल लगाया गया है। क्या आपके मन में था कि आरसी इलेक्ट्रॉनिक ने यह निर्णय लिया कि स्टॉल लेंगे, पवेलियन लगाएंगे और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर शोकेस करेंगे? ये हमने पहली बार ऐसा कुछ किया है, आपने सही कहा। और ये इसके करने के पीछे एक रीज़न भी है कि आज 2 साल से आप देखिए पूरा धंधा और कस्टमर अपने घर तक ही सीमित थे, वो बाहर निकल नहीं पाए। और आज अगर आप देखेंगे तो 2 साल के बाद जब ये एग्जीबिशन खुला बिल्डर्स का, तो बिल्डर्स लोग ने हमें इनवाइट किया और हमें कहा गया कि भाई आप हमारे साथ में प्राइस पार्टनर बन के आइए। तो जो भी लकी ड्रॉ विनर्स है, जैसे हमारे बिल्डर्स, हमारे जैसे कोई कस्टमर फ्लैट लेते हैं उनको हमने फ्री में या तो लकी ड्रॉ में हमने उनको रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन्स, काफ़ी आइटम्स दिए। साथ साथ में हमने सोचा ये बेस्ट तरीका है अपने कस्टमर से जुड़ने का, इसीलिए हमने ये पवेलियन लेके, स्टॉल्स लेके कस्टमर के रूबरू आने का एक प्रयास किया है ताकि हमारे एक जो कस्टमर 2 साल से मिल नहीं पाए उसको हम आमने सामने मिल सके। कितना रिस्पांस आपको लग रहा है, क्योंकि ये पहली तरह का प्रयास है और एग्जीबिशन में हजारों लोग आ रहे हैं, तो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर एक छत के नीचे देखने के लिए मिल रही, वो अपना घर भी देख रहे हैं, लोन के बारे में भी सोच रहे हैं और अब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और हाउस होल्ड चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, रिस्पांस किस तरह का दिख रहा है? आज अगर आप देखेंगे 2 साल में कस्टमर जब घर पे रहा है, जब एक व्यक्ति अपने घर में रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, उसने अपना लिविंग रूम, ड्रॉइंग रूम सब कुछ अपग्रेड किया है, साथ साथ में किचन को भी अपग्रेड किया है, जहाँ पर आज मेड्स नहीं होने के कारण, सर्वेंट्स नहीं होने, मतलब जो आदमी हेल्पिंग हैंड्स नहीं थे तो वहाँ घर की जो लेडीज़ थी उनको काम करना पड़ता था। तो हमने स्पेशली हायर काज किचन अप्लायंसेस का एक अलग से स्टॉल बनाया है, जहाँ पर सारे किचन की सामान उनको जो लगता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें हमने लेके आके उनके पास ट्राई किया उनको दिखाने के लिए। कितना रिस्पांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं और जब कहीं दुकान पर अगर आपका मटेरियल होता है तो वहाँ लोगों को जाना पड़ता है स्पेशली, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक एक फुटफॉल हो रहा है एग्जीबिशन के कारण। आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने कस्टमर से जुड़ने के लिए और उनके लिए भी जो इस तरह की चीज़ें खरीदना चाहते? हमने इससे पहले भी काफ़ी टाइम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, पर वो कंज्यूमर फेयर होता था जहाँ पर हम कस्टमर के साथ में जुड़ते थे। आज हमने ये फर्स्ट टाइम एक प्रयास किया कि एक बिल्डर जब एक कस्टमर घर लेता है तो घर में उसको सामान लाना ही पड़ता है, एक टेलीविज़न है, एक वॉशिंग मशीन है, एक रेफ्रिजरेटर्स है, एयर कंडीशनर्स है, ये बेसिक चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट रहती है। हमने ये सोचा कि इस बार हम कस्टमर को मिलने एक शॉप फ्लोर के छोड़ के हम उसके पास एक रूबरू जाने की कोशिश करेंगे। आपके भाई साहब हैं, मैं उनसे भी थोड़ी जानने की कोशिश करूंगा
सर कैसा लग रहा है आपको कि एक जगह पर अगर आप स्टॉल लगाए हैं तो हजारों लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और सीधा उनसे जुड़ने का एक मौका मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो लास्ट जो अब तीन दिन से जो हम लोग जो एग्जीबिशन में यहाँ पे है, इतनी हम लोग को बहुत सारे इंक्वायरीज मिले यहाँ पे, और हमारे ऑलरेडी जो हम लोग जो 32 ईयर्स हम ये न्यू बॉम्बे में हम लोग हमारी शोरूम्स है, तो हमारे ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर हमको बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये सब जेन्युइन कस्टमर है जो शायद अभी आगे जाके हमारे इधर स्टोर में क्लोज होंगे। आपको लगता है ये एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी को एक बढ़िया एक अवसर है, एक बढ़िया मौका, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों से मिलने का, सीधे जुड़ने का मौका मिलता है? या डेफिनेटली ये जो है जो प्रॉपर्टी जो एग्जीबिशन है इसमें हम लोगों ने जो स्टॉल लगा गए यहाँ पे, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा इंक्वायरी है, बिकॉज ये जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये सब नेसेसिटी है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। हमारे साथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं प्रमोद जोशी साहब। जोशी साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने पूरे एग्जीबिशन को देखा है, क्या लग रहा है आपको, कैसा आपका एक्सपीरियंस है और कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि लॉकडाउन के 2 साल के पीरियड के बाद इस तरह का एक अवसर ऐसा आया है कि जो लोग स्वयं यहाँ पर आके अपने लिए प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और ख़ासकर उस घर को खरीद सकते हैं जो वो मनचाहा घर खरीद सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं और उसके साथ साथ उस घर के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं? ये ज़रूरत था पहला तो, कि जो एग्जीबिशन लगा है वो बहुत ज़रूरत का बात था। आज 2 साल से कोविड में लोग बहुत थक गए थे और घर में बैठ बैठ के बोर होके थोड़ा उनके जो मानसिक तनाव में आ गए थे, और भी बीच बीच में ऐसे रूमर्स आता है न्यूज़ में कि मास्क चालू होएगा, ये होएगा, इससे भी लोगों में जो डर है वो डर ख़त्म करने के लिए ऐसा एग्जीबिशन होना बहुत ज़रूरी था। और वो जो एग्जीबिशन किया है तो मैं उनको पहला धन्यवाद देता हूँ, ये बिल्डर लॉबी को, कि इसने जो ये किया है, घर बेचे नहीं बेचे लेकिन आज जो पब्लिक आ रही है मार्केट में वो बहुत है। अभी घर कितना खरीदेगा वो क्या है वो उनका बाद में है, और उसमें एक हमारा छोटा व्यापारी जो इलेक्ट्रॉनिक का ये लेके भी इधर स्टॉल लेके वो अपने जूने कस्टमर को मिलना चाहता था ये काउंटर पे, आज जो लोग घर देखने को आता है वो जरूर काउंटर पे विजिट देता है, तो उससे ये भी महसूस होता है कि वह कस्टमर अपने साथ है, ये कैसा है, उनका क्या ये है, तो ये सब देखने के लिए ये अवसर बहुत अच्छा है। और जो एग्जीबिशन किया उनको तो धन्यवाद देता है, और आपके जैसे प्रेस मीडिया वाला भी जितना हाईलाइट करे और लोगों की मानसिकता भूल जाए, कोरोना के डर खत्म कर दे, तो वो भी बहुत अच्छा है, और मैं आप प्रेस वाले को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन सिर्फ घर खरीदारों के लिए नहीं बल्कि घर में सामान खरीदने के जो इच्छा रखने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है, और RC इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये पहल करके उनको एक इस एग्जीबिशन में ही बहुत बड़ा अवसर दे दिया है कि वो जिस तरह का भी प्रोडक्ट खरीदना चाहें, चाहे वो टेलीविज़न सेट हो या किचन का सामान हो या साउंड सिस्टम या दूसरी चीज़ें जो घरेलू चीज़ें हैं, वो आसानी से यहीं से उनकी इंक्वायरी भी हो सकती है, यहीं से उन्हें मटेरियल भी मिल सकता है। और चूंकि ये जो RC इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी गुडविल बहुत अच्छी है नई मुंबई में, तमाम जगह पर इनके ब्रांचेस हैं, तो कहीं से भी नई मुंबई के किसी भी कोने से आने वाले आदमी के लिए एक आसान रास्ता मिल जाता है, एक गुडविल धारक जो दुकानदार है वहाँ से अच्छा और ब्रांडेड प्रोडक्ट भी मिलता है और रियायत भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन में ये एक बड़ा अवसर है उन लोगों के लिए जो अपना घर तो खरीद रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ इस एग्जीबिशन में उन सब चीज़ों को खरीदने की भी चाहत रखते हैं जो उनके लिए जरूरी है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।